नमस्कार, मैं सुविज्ञा पुरोहित, लेक्चरर एट GPC जालोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है EE308 पावर सिस्टम सेकंड यूनिट फर्स्ट लोड एंड लोड ड्यूरेशन का टॉपिक रहेगा आज का, वेरिएशंस इन डिमांड लोड एंड लोड ड्यूरेशन का। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज। पहला हम पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ लोड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोड के वेरिएशंस मीन्स कि कम ज़्यादा होने के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं पावर सिस्टम पे या फिर जनरेटिंग यूनिट्स पे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे लोड कर्व क्या होता है, और तीसरा हम पढ़ेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व जो लोड कर्व से ही बना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वेरिएशंस ऑफ लोड। अब जैसे कि मैंने बताया है कि लोड के कम ज़्यादा होने से जो हमारे सिस्टम पे, प्लांट पे, जनरेटिंग यूनिट्स पे जो प्रभाव पड़ते हैं, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो पड़ते हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जनरेशन ऑफ पावर बिकम्स कॉस्टली। जो हम जनरेशन कर रहे हैं उससे जो पावर का जनरेशन कर रहे हैं वो जो है महंगी हो जाती है। वो कैसे होती है कि इसका एक ऑब्वियस रीज़न ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जब हम ऑल्टरनेटर की कैपेसिटी या उसकी जो उसको जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो या उससे करीबी एफिशिएंसी हमें प्राप्त हो जाए। पर क्या होता है कि जब लोड वेरी होता है और कम होने पे जब ऑल्टरनेटर इतना लोडेड अप नहीं हो पाता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब लोड जो है वेरी होने पे, या फिर कह सकते हैं कि जब लोड डिमांड जो है कम होती है, तो क्या होता है कि ऑल्टरनेटर इतना लोडेड अप नहीं हो पाता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑल्टरनेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये महंगा पड़ता है। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो कैपेसिटी जो है अधिक है जनरेटर की या अल्टरनेटर की, बट जो लोड डिमांड है वो कम हो जाती है। इस कारण से क्या होता है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है ओवरऑल वो बढ़ जाती है। तो ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक रहेगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड, डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द सिस्टम। ठीक है, अब जब लोड जो है कम ज़्यादा हो रहा है, बदलता जा रहा है, तो उससे क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी जो होती है सिस्टम की वो भी बदलती रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अपनी जैसे इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्स है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑपरेशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है उसकी परमिसिबल लिमिट हम ±3% मानते हैं। उसके डेविएशंस जो होता है वो ±3% मान के चलते हैं। जैसे 50 हर्ट्स है अपनी इंडिया में फ्रीक्वेंसी, बट है ना कम हो सकती है वो 48.5 हर्ट्स तक, और बढ़ सकती है वो 51.5 हर्ट्स तक। इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इसमें वो वेरी हो सकती है। तो ये वेरी कब हो सकती है, जब क्या हो रहा है कि जो लोड वेरिएशंस हो रहे हैं, लोड का मान जो है बदलता जा रहा है, तो उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो है वो भी बदलता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कीप द फ्रीक्वेंसी विद इन द लिमिट, अब फ्रीक्वेंसी को लिमिट में रखने के लिए, 50 हर्ट्ज़ रखने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं सिस्टम के अंदर। तो सच सिस्टम इंक्रीजेस द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। अब सोचो कि जो सिस्टम इजीली वर्क कर रहा था, बट उस सिस्टम में मेंटेनेंस के लिए हमने एक कंट्रोलिंग फ्रिक्वेंसी कंट्रोलिंग सिस्टम लगा दिया है अचानक से, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ में क्या हो रहा है, जो इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं उस पर जो खर्चा हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर फेस करनी पड़ती है ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ लोड। तो कहने का मतलब है ये सारे ड्रॉबैक्स हमें फेस करने पड़ते हैं जब हमारे सिस्टम में जो लोड है वो बढ़ता या घटता जा रहा होता है। तो हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट।
जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि हमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, हम उसे जोड़ते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही हमें जब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वेरिएबल लोडिंग असिस्टेंट्स द यूज़ ऑफ स्पीड गवर्नर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि स्पीड को, जनरेटर की स्पीड को गवर्न करके बता सके कितनी बड़ी है कितनी कम हो गई है। वोल्टेज कंट्रोलिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी सेंसर की आवश्यकता पड़ जाती है, माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है और अदर क्लोज लूप कंट्रोल इक्विपमेंट जो भी होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? टू मेंटेन द ऑल द पैरामीटर विद द परमिसिबल रेंज। जैसे कि मैंने पहले बताया, परमिसिबल रेंज का मतलब यह है कि जैसे हमारी फिक्स फ्रिक्वेंसी है इंडिया के अंदर 50 हर्ज़ है, तो और हम प्लस माइनस 3% उसको डेविशंस उसको ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से और भी जैसे वोल्टेजेस है, फ्रिक्वेंसीज है, क्लोज लूप कंट्रोल इक्विपमेंट है, इस तरीके से पिक के इक्विपमेंट भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है हमें परमिसिबल रेंजेस जो होती हैं, हमारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती है उसको मेंटेन कर सके, कोई भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, जिससे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कोई भी हैजार्ड, कोई भी नुकसान नहीं होगा हमारे सिस्टम को। तो इसके लिए हम ये सेंसर्स वगैरह, जो कंट्रोलिंग स्पीड गवर्नर वगैरह हैं, ये सब लगाते हैं, ठीक है। तो इससे भी इसका खर्चा बढ़ जाता है। फिर आता है इंक्रीज्ड लॉसेस। अब जैसे कि सिस्टम के अंदर हमने बताया है कि जो हमारे लगे हुए होते हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई होती है, मशीन्स लगी हुई होती है, और भी ऐसे मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जिसके अंदर सैचुरेशन और वेरिएशंस पैरामीटर्स जो होते हैं, इस टाइप की इक्विपमेंट हमारे सिस्टम में लगे होते हैं। तो इसको जो है, इस वजह से क्या होता है कि ये सारी सिस्टम से जो डिक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, क्यों हो रहा है ये सब, किस कारण हो रहा है? ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ लोड। वेरिएशन, जैसे ही वेरिएशन आता है, वेरिएशन आने की कंडीशंस जो होती है, उससे क्या होता है, मशीन्स के अंदर जो ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इनके अंदर भी जो पैरामीटर्स है वो बदलने लगते हैं, जिससे क्या होती है कि सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो घटती जाती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, इनको हमें फेस करना पड़ता है जब ये वाली प्रॉब्लम आती है, वेरिएशंस होते हैं लोड के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि लोड का क्या होता है, ठीक है। अब लोड कर्व को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो एज स्टेटेड अबव, द लोड ऑन द सिस्टम वेरीज विद टाइम, ठीक है। तो जो कर्व है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो टाइम के साथ में जो लोड जो है, ये टाइम लिया है हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लोड लिया है, तो जो टाइम के साथ में लोड जो वेरी हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, उस वक्र को, उस कर्व को हमने क्या बोला है, लोड कर्व, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, एज स्टेटेड द लोड ऑन द सिस्टम वेरीज विद टाइम, दिस वेरिएशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड इट टर्म एज लोड कर्व। कुछ नहीं है कि टाइम के साथ में जो लोड का मान बदल रहा है, उससे हम जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमने लोड कर्व कहा है। अब लोड कर्व क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि टिपिकल डेली लोड कर्व, ठीक है। डेली लोड कर्व ना, ये पूरे दिन का कर्व है। यहाँ पे मैंने मिडनाइट 12 टू नून 12 तक से लेके मॉर्निंग 12 तक की टाइमिंग ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने 10, 20, 30, 40 मेगावाट या किलोवाट, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हैं। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम अपन को डिमांड मिल रही है, मैक्सिमम लोड डिमांड यहाँ पे है। और ये कितना है यहाँ पे, ये नून 8 है, इट मीन्स ये 8 पीएम पे हमें यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोड जो है हमें प्राप्त हो सकती है। इस कर्व से हमें ये प्राप्त हो सकता है कि मैक्सिमम डिमांड कहाँ होती है, 8 पीएम पे अक्कर हो रही है। इससे हम अब लोड कर्व से और क्या पता कर सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि लोड वेरिएशंस को टाइम के सापेक्ष में बता रहे हैं, है ना। लोड वेरिएशंस को टाइम के सापेक्ष में बता रहे हैं, जिससे हम मैक्सिमम डिमांड और सिस्टम को ज्ञात कर सकते हैं,
मतलब मैक्सिमम डिमांड कहाँ पे आ रही है, हमारी 8 PM पे आ रही है, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम लोड का प्रभाव जो है प्लांट के साइज तथा कैपेसिटी पे पड़ता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। तो जिससे हम क्या है, कर्व के एरिया से, अब एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया जो है कर्व के एरिया से एनर्जी इन यूनिट किलोवाट, है ना, यूनिट किलोवाट या फिर मेगावाट, जो भी हम यहाँ पे जो यूनिट है ना, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, इस कर्व से हम टर्म्स जैसे एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, प्लांट यूज़ फैक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ये फैक्टर्स हैं, हम ये अलग सेशन में पढ़ेंगे, इसको अलग सीरीज जो है लेक्चर की उसमें समझने की कोशिश करेंगे। अभी बस ये बता रही हूँ कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम इस लोड कर्व्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस कर्व से हम ना ये सारे फैक्टर ज्ञात करेंगे, और इससे क्या, इस लोड कर्व की आवश्यकता ये है कि अल्टरनेटर की साइज़ और कैपेसिटी जो होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इस कर्व की सहायता से। अब क्या है, प्लांट जो है उसका, प्लांट या जो स्टेशन जो होता है उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए भी ये लोड कर्व की आवश्यकता हमें पड़ सकती है, है ना। तो अब इसी तरह से हम ये बात करेंगे कि लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। लोड ड्यूरेशन कर्व जो होता है ये लोड कर्व से ही हमें प्राप्त हुआ है। व्हेन वेरिएशन ऑन लोड अकरिंग ऑन सिस्टम आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो लोड, अब लोड वेरिएशंस का मतलब तो ये है कि वो कम ज़्यादा हो रहा है। अगर हम सिर्फ पूरे दिन में लोड जो है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, लोड ड्यूरेशन कर्व, है ना, वो वाला कर्व जिसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ अक्रेंस ऑफ दिस लोड। अब लोड जो है टाइम के सापेक्ष में हमेशा वो घटता जा रहा है, अगर 24 घंटे में, तो उस कर्व को हमने क्या बोल दिया है, लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। इससे हम डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ने पर हमें समझ में आ जाएगा कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वेरिएशन प्राप्त हो रहा है, है ना, सिर्फ लोड जो है घटता ही जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ग्राफ के द्वारा देखने से समझ में आ रहा होगा, अगर घटता ही जा रहा है वो 24 घंटे में, तो इस कर्व को हमने लोड ड्यूरेशन कर्व कह दिया है। और ये हमें किससे, लोड कर्व से ही प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि इसमें भी वही बताया है, जैसे लोड कर्व में था कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, टाइम लिया था 24 घंटे का लोड ड्यूरेशन का, यहाँ पे मैंने 0, 3, 7, 12, 16, 24 आवर्स ले लिए, घंटे में ले लिया है, और लोड जो है मेगावाट में ले लिया है 5, 10, 20, 35, 80। अब सबसे पहले अगर वो इनिशियली वो 80 मेगावाट पे है, ठीक है, फिर कुछ घंटे 3 घंटे बाद में वो है घटता जा रहा है, कितना हो गया, वो 35 हो गया, अगेन 3, 4, 5, 6, 7, वो 3-4 घंटे बाद में और जो है घटता गया, तो कितना हो गया, 20 मेगावाट पे वो 7 घंटे पर और डिक्रीज हो गया। इस तरीके से वो जैसे जैसे घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो उसका जो लोड है मिनिमम आ गया कितना, 5 मेगावाट आ गया है, और वो कितने कांस्टेंट रह रहा है, 12 घंटे तक वो कांस्टेंट रह रहा है। इसमें हम बता रहे हैं कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही वर्क कर रहा है, है ना। तो जो वो कर्व जो है लोड ड्यूरेशन कर्व क्या शो कर रहा है, कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है लोड का वो शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारे जो लोड डिमांड है वो घटती चली जा रही है, वो शो कर रहा है ना। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि इस लोड ड्यूरेशन कर्व से हम आसानी से मैक्सिमम डिमांड तथा इट्स ड्यूरेशन ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम डिमांड क्या है, ये 80 है ना, और ड्यूरेशन ज्ञात कर सकते हैं, और 80 कितने घंटे तक रहा है, वो 0 से 3 घंटे तक हमें मैक्सिमम लोड डिमांड ज्ञात हुआ था, ये इस ग्राफ से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इससे हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि हम ये पक्का पता कर लेंगे कि 0 से 3 घंटे जो है हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है 80 मेगावाट जो है लोड डिमांड था, ठीक है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम हम स्पेसिफिक लोड को दर्शाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, यह लोड जो है जनरेट
एना लोड कर्व से ही जनरेटेड है, जैसे मैंने बताया कि लोड कर्व से ही इसको ज्ञात करके बनाया है। इस कर्व का एरिया जो है टोटल एनर्जी जनरेटेड बताता है, टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हुई है ये बता सकता है कि 80 मेगावाट इसकी मैक्सिमम जनरेटेड एनर्जी है ना। तो इस तरीके से लोड ड्यूरेशन कर्व जो है हम समझ सकते हैं कि ये बताता है कि पूरे दिन में कितना लोड डिमांड है वो वैरी होते होते घटते 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 कितना 24 घंटे में घटा है, उस ड्यूरेशन किस ड्यूरेशन में 24 घंटे के अंदर कितने मेगावाट जो है डिक्रीज होता रहा है वो उसको शो करता है, तो उसको हम लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। थैंक यू।